वर्ल्ड कप 2023 को लेकर बड़ा अपडेट, आज भारत और श्रीलंका के बीच काटे की टक्कर। वनडे वर्ल्ड कप 2023 के 33वें मैच में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। मैच जो है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। टॉस मैच से आधे घंटे पहले यानी 1:30 बजे होगा। वही आज के इस वीडियो में दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड, वर्ल्ड कप में मैच के नतीजे और पिच रिपोर्ट, वेदर कंडीशन, पॉसिबल प्लेइंग इलेवन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हेड टू हेड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 167 वनडे मैच खेले गए हैं। भारत ने 98 और श्रीलंका ने 57 मैच जीते हैं, 11 मैच बेनतीजा रहे हैं। वही वर्ल्ड कप में भारत और श्रीलंका की टीम यहाँ पर दोनों जो है अब तक 9 बार भिड़ी है, 4 बार भारत और 4 बार श्रीलंका को जीत मिली है। एक मैच का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है। वही भारत और श्रीलंका के बीच आखिरी वनडे जो है 17 सितंबर 2023 को खेला गया था, वो एशिया कप का फाइनल मैच था, जिसमें भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराया था। वही भारत के टॉप स्कोरर की बात करें तो भारत के टॉप स्कोरर है रोहित शर्मा, जिन्होंने 6 मैचों में 358 रन बनाए हैं। वही बेस्ट बॉलिंग में यहाँ पर 6 मैचों में 14 विकेट लेकर बुमराह जो है नंबर 1 पर है। वही श्रीलंका के टॉप बैट्समैन की बात करें तो समरा विक्रमा है, जिन्होंने 6 मैचों में 331 रन बनाए हैं। बॉलिंग की बात करें तो 6 मैचों में 13 विकेट लेकर मधुशंकर जो है श्रीलंका के टॉप बॉलर रहे हैं। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की, तो पिच यहाँ पर मुंबई की वानखेड़े की पिच जो है बैटिंग फ्रेंडली है। यहाँ पर बल्लेबाजों को काफ़ी मदद मिलती है, अच्छा उछाल होने की वजह से गेंद सही तरीके से बैट पर आती है। स्टेडियम में टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका के बीच भी मैच यहाँ पर खेला गया था। अब ये जो भारत और श्रीलंका का मैच खेला जा रहा है। अब बात करते हैं प्लेइंग इलेवन की, तो भारत में आज कप्तान रहेंगे रोहित शर्मा, इसके अलावा गिल, कोहली और राहुल, सूर्यकुमार यादव, जडेजा यादव और बुमराह, समी और इसके अलावा मोहम्मद सिराज टीम में रहेंगे। इसके अलावा श्रीलंका की बात करें तो मेंडिस कप्तान रहेंगे, इसके अलावा निशंका, करुणारत्न, श्रीलंका डी सिल्वा और मैथ्यूस, महेश दीक्षनाथ, राजथा और इसके अलावा चिमरा और मधुशंकर जो इस टीम के अंदर रहेंगे।